गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सीआईटी एनसीईआरटी के लाइव इंटरेक्टिव सत्र में आप सभी का मैं कुसुम प्रसाद हार्दिक स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। नमस्कार, आप सभी हमें देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल नंबर 10 पर, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर। और आज हम स्टूडेंट्स 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर पर विस्तार से बताएंगी हमारी आज की एक्सपर्ट मिस सविता ग्राक मैम। मैं आपसे मिलवा देती हूँ सविता मैम को। सविता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में, वेलकम मैम। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार मैम, है टीचर गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र से। तो मैम बताएंगी आपको, पढ़ाएंगी मैथमेटिक्स और टॉपिक रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इससे पहले कि आज का हम सत्र शुरू करें, हम आपको बता देते हैं हमारे विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, किस तरह से आप इस सत्र से जुड़ सकते हैं और आप अपने फीडबैक्स और अपने सुझाव, यदि कोई क्वेरीज हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर जो है 8800440559 पर। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर ये फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है dts.class10@cit.nic.in पर। और एक और माध्यम है, एक और जरिया है हम तक पहुंचने का, वो है हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल के लाइव चैट में जाकर आप अपने मैसेजेस, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं और कोई भी फीडबैक हम तक भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं आज के सब्जेक्ट्स रिलेटेड यानी मैथमेटिक्स रिलेटेड, कोई भी सब, ये जो हमारा टॉपिक है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप ज़रूर भेजिए। तो अब हम देर नहीं करते हैं और रुख करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट सविता मैम की तरफ। सविता मैम, शुरुआत करते हैं आज का सत्र। जी कुसुम जी, बिल्कुल। तो हमारा टॉपिक जैसे कि आपने बताया, ये है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हमारे स्टूडेंट्स को पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। हमारे स्टूडेंट्स ने पार्ट वन में वेरियस पार्ट्स ऑफ सर्कल्स के बारे में सीखा। दे हैव लर्नड अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय कोर्ड ऑफ अ सर्कल, व्हाट डू वी मीन बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इसी तरह से रेडियस, आर्क, डायमीटर, बहुत से सर्कल से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं हमने उनके बारे में सीखा। वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय सर्कल। सर्कल ऐसी शेप है जो बचपन से ही हमारे सभी बच्चे देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें सर्कल की डेफिनेशन क्या है, या अगर हमें एक लाइन में सर्कल को डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इट इज सिंपली दैट सर्कल इज द पाथ, वो पाथ, वो रास्ता जो एक पॉइंट ट्रेस करता है इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि अगर ये हमारे पास एक गिवन पॉइंट है विच इज नॉन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इस गिवन पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हम जितने भी पॉइंट्स लेते हैं, दीज ऑल पॉइंट्स इन अ कॉम्बिनेशन फ्रेम्स अ सर्कल। हमने पढ़ा था सर्कल के सेक्टर के बारे में। बेसिकली हम जो दो नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं क्लास 10th में, दिस इज एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से पता है। दे नो दैट एरिया ऑफ अ सर्कल इट इज पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई जो है दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। Now, what is the circumference? Undoubtedly, the boundary of the circle. अगर हम boundary of the circle का ratio with the diameter calculate करते हैं, that is known as the diameter and circumference. The circumference, when we divide it by the diameter, then we are getting the value of pi. And this value of pi is approximately 22 divided by 7, which can also be written as 3.14. तो हमने सीखा area of a circle क्या होता है। हमें पता है कि circumference of the circle निकालने के लिए जो formula रहता है that is 2 pi r, और इसके बाद हम जो बात करेंगे that is about the segment of a circle. Segment of a circle, undoubtedly it is the area which is shaded here in this pink color, और हम बोल सकते हैं that the area between the chord and an arc of a circle is known as the segment of a circle.
तो यहाँ पर दो सेगमेंट्स बन रहे हैं डियर व्यूअर्स, दिस इज द मेजर सेगमेंट, क्योंकि ये कंप्लीट भी जो एरिया है ये भी हमारे पास एरिया बिटवीन एन आर एंड कोड ही बन रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एज द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब हमें समझ आया मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, लेकिन हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सेगमेंट, हम इस चीज के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल की जैसे ही हमें नॉलेज मिलेगी हम उसके बाद एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट को बहुत डेप्थ में समझ पाएंगे। नाउ सेंट्रल एंगल इज व्हाट, सेंट्रल एंगल इज द एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल इफ आई से टू बी थीटा, यानी वो एंगल जो बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल फ्रेम होता है, दैट इज नोन एज द सेंट्रल एंगल। हम देख सकते हैं यहाँ पर कोड बी सी, और आई हैव नॉट ड्रॉन द कोड, लेकिन अगर आप कोड भी ड्रॉ कर देते हैं तो कोड बी सी या फिर आर्क बी सी सेंटर पर जो भी एंगल बनाती हैं, दैट एंगल इज नॉन एज द सेंट्रल एंगल। हमारी आर्क का नेम बी सी, ए बी, पी क्यू, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, बट पर्टिकुलरली एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और बाय एन कोड ऑफ अ सर्कल at the center of the circle is called the central angle। चलिए central angle हमें पता चला this is theta, अब theta का use होगा length of arc, area of segment और area of sector निकालने में। Now what do we mean by length of an arc? Formula हमें पता है it is theta upon 360 degree multiplied by the circumference of the circle which is 2 pi r, और हम इसे लिख सकते हैं pi r theta divided by 180 degree। इसी तरह से what do you mean by area of sector? Sector is this particular, this is the minor sector। अगर हमें ये area calculate करना है तो simply हमें पता है 360 degree के लिए, that means complete circle का जो area है वो होता है pi r square, तो sector का area क्या होगा, that will be theta divided by 360 degree multiplied by pi r square, और हम इसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, दिस इज नॉन एज द एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के साथ ही एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो दैट इज ऑल्सो, अगर आप कंप्लीट सर्कल में से, ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल था और कंप्लीट सर्कल में से अगर हम माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये जो एरिया कंप्लीट हमारे पास बच रहा है, दिस कंप्लीट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। सर्कल के एरिया में से या तो माइनर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर एक और तरीका क्या हो सकता है, मान लीजिए हम बोलते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, यानी माइनर सेक्टर के लिए जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, तो मेजर सेक्टर के लिए एंगल कितने डिग्री होगा, दैट विल बी 360 माइनस 60 विच इज 300 डिग्री। तो अभी एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा, इफ वी आर सेइंग दिस एंगल टू बी थीटा, हम इस एंगल को नेम दे देते हैं थीटा वन या अल्फा बीटा, हम कोई भी नेम एंगल को दे सकते हैं, सो द फॉर्मूला विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, एंड इन प्लेस ऑफ थीटा यू कैन मेंशन थीटा वन, एंड इन प्लेस ऑफ थीटा वन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल विच इज 300 डिग्री। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए या तो सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर आप पहले से ही मेजर सेक्टर कितने डिग्री का एंगल सेंटर पर फ्रेम कर रही है वो एंगल निकालेंगे, और डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला में वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने जितना डिस्कस किया इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट दैट व्हाट डू वी मीन बाय the area of a segment, या area of segment हम कैसे calculate कर सकते हैं। So the question is, the diameter of a circle is 8.4 centimeter। अगर circle का diameter 8.4 centimeter है, so undoubtedly the radius of this will be 4.2 centimeter। और हमें बोला जा रहा है find the area of this sector, यानी आपको इस complete shaded region का area निकालना है। So, what do we say about area of a sector?
We know the formula that it is pi r square theta divided by 360 degree. हमारे पास रेडियस भी है 4.2 सेंटीमीटर. तो रेडियस के प्लेस पर वी विल पुट 4.2. पाई की वैल्यू इफ यू वांट टू पुट वी कैन गो फॉर 22/7 और 3.14. लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में वैल्यू पहले से गिवन होगी तो हमें वही वैल्यू पुट करते हैं. अब हम सोच रहे हैं कि थीटा इज नॉट गिवन टू अस, क्योंकि जब तक थीटा ही नहीं है तो हम थीटा के प्लेस पर क्या पुट करेंगे. बट लेट अस सी, कुछ तो गिवन है. क्या गिवन है? दैट इज हियर दैट द लेंथ ऑफ द आर्क इज 2.85 सेंटीमीटर. ओके, सो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क गिवन है और हमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता है. यानी हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इन दिस क्वेश्चन, हम दोनों ही फॉर्मूलाज जो हमने अभी डिस्कस किए, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर, इन दोनों का ही यूटिलाइजेशन यूज हो रहा है. लेंथ ऑफ आर्क हमें पता है द फॉर्मूला इज पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 180 डिग्री. इट इज इक्वल्स टू 2.85. हम चाहें तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे तो पाई को डायरेक्ट कट कर सकते हैं. इन प्लेस ऑफ आर यू विल पुट द वैल्यू ऑफ आर विच इज 4.2 डिवाइड बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू 2.8. फ्रॉम हियर ऑन सॉल्विंग दिस वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4.2. और इसे सॉल्व करके जो भी हमारे पास थीटा की वैल्यू हो कैलकुलेट हो रही है, हम वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. हम रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे 4.2. हम पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 22/7. एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी विल बी एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. हमें ध्यान रखना है दैट एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स, सो यू विल मेंशन दैट विद द आंसर. Now let us discuss one more question. This is a question related to the real life. What the question is? Here it is, a horse is tethered to a corner of a field, or field ki jo shape hai that is an equilateral triangle. To hum dekh sakte hain yahan par ek equilateral triangle ABC hume given hai, aur is ABC triangle mein iske ek vertex par, ek corner par ek horse ko bandha gaya hai. इफ़ द लेंथ ऑफ द रोप, हमें मेजरमेंट नहीं गिवन है कि आपके पास जो ट्राइंगल है उसकी सभी साइड्स कितने कितने यूनिट्स की हैं. हमें सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है और वो क्या है, दैट द लेंथ ऑफ द रोप इज गिवन टू बी 7 meters. ओके, दैट मीन्स दिस लेंथ इज 7 meters. तो क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज. कितना एरिया वो हॉर्स जो है वो ग्रेज कर सकता है. तो ये कैसे निकालेंगे? अनडाउटेडली जब उसकी रस्सी इतने तक पहुंच पा रही है उसे, तो वो जो एरिया ग्रेज कर पा रहा है यहाँ तक ही पॉसिबिलिटी है. और क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल गिवन थी तो उसलिए हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इट विल बी 60 डिग्री. और हम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं दिस ए पी क्यू जो एरिया है, दिस ए पी क्यू इज प्रेजेंटिंग अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. अगर वो ट्राइंगुलर बाउंड्रीज के अंदर है सिर्फ इतने ही एरिया तक पहुंच पा रहा है. अगर ट्राइंगल की बाउंड्रीज ना होती तो हॉर्स क्या कर पाता, पूरा का पूरा सर्कल जो है वो कवर कर पाता, उतना एरिया कवर कर पाता. तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाता है इजी. हमारे पास थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, हमारे पास रेडियस है 7 meters, सो रेडियस इज देयर, एंगल इज देयर, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्स. सो व्हाट विल बी दैट, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. ऑन सॉल्विंग दिस द आंसर विल बी विद अस. सो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. और अभी हम आगे बढ़ते हुए सीखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय एरिया ऑफ अ सेगमेंट. सेगमेंट यानी कोण और आर्क के बीच का एरिया. जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं शेडेड पोर्शन जो है ए बी कोण और ए सी बी आर्क के बीच का एरिया है. अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, सेगमेंट के एरिया को कैलकुलेट करने से पहले
हम सीख चुके हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हमने अपनी जूनियर क्लासेस में सीखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इवन हमने हीरोन्स फॉर्मूला से भी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट करना सीखा है अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो। बट यहाँ पर हम अभी सिंपली लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ अ सेक्टर में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करने पर एरिया ऑफ सेगमेंट हम निकाल पाएंगे। बट ध्यान रखने की जो बात है वो है कि सेक्टर के लिए सेगमेंट के लिए सेंट्रल एंगल विल बी सेम। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इन दोनों ही शेप्स के लिए सेंट्रल एंगल इज गिवन टू बी थीटा, द रेडियस इज आर फॉर दिस सर्कल। अब पॉइंट है कि ट्रायंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करें। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग बात हम करेंगे। अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल गिवन है जिसके लिए सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, देन आवर क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि इन केस ऑफ 90 डिग्री एंगल आपकी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। साथ ही साथ हमें पता है कि इस ट्रायंगल के लिए जो परपेंडिकुलर और बेस हैं ये दोनों भी इक्वल बन रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को आप बोलते हो हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर भी रेडियस के इक्वल है, आपका बेस भी रेडियस के इक्वल है। तो सिंपली हम फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पर हमारे पास बोला जा सकता है दैट इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इन दैट केस द एरिया ऑफ द सेगमेंट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू आर विच इज हाफ आर स्क्वायर। तो हमें समझ आता है कि अगर थीटा 90 डिग्री का एंगल है तो उस केस में एरिया ऑफ सेगमेंट को हम डायरेक्टली ट्राइंगल का फॉर्मूला आर स्क्वायर अपॉन टू पुट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री ना देकर हम डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ओके अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है, इसके साथ ही साथ हमें पता है कि ये दोनों साइड्स रेडियस के इक्वल हैं। कौन कौन सी साइड्स? ओ ए एंड ओ बी बोथ आर इक्वल एंड दीज आर इक्वल्स टू आर। तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं और साथ ही साथ एंगल ए एंगल ओ एंगल बी इन तीनों का सम भी 180 डिग्री है, तो क्लियर है कि एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम कितना होगा, 180 माइनस एंगल ओ, 180 माइनस 60 डिग्री, सो दैट विल बी 120 डिग्री। फर्दर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो आपके पास आ जाएगा कि एंगल ए भी 60 डिग्री का है और एंगल बी भी कितने डिग्री का है, वो भी 60 डिग्री का है। यानी कि ओ ए बी इस पर्टिकुलर केस में, किस केस में, इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, इस केस में हमारे पास ओ ए बी कैसी ट्रायंगल बन रही है, दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, yes, our viewers can also think upon it, that what is the area of an equilateral triangle? It is root 3 divided by 4 into side square. और इस question के लिए side of the triangle radius of the circle के equal ही है। तो अगर theta 60 degree है, तो उस case में area of segment के place पर हम लिख सकते हैं that area of segment equals पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री माइनस रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर एंगल ना 90 डिग्री गिवन है ना 60 डिग्री गिवन है, बल्कि आपको कुछ भी अलग वैल्यू गिवन है एंगल की, तो उस केस में हम अपने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी दैट। कुछ भी अलग वैल्यू यानी कि फॉर्मूला तो अभी भी वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट आपके पास ना तो बेस है ना तो हाइट है। सो लेट अस डिस्कस इस केस में हम एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं। ओके,
इस केस में हमने जो सेंट्रल एंगल को एज्यूम किया, लेट दैट बी ओनली अननोन टू अस, लेट दैट बी थीटा. सो हेयर इज दिस एंगल थीटा. हम सेंटर ओ से अपनी कोर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं विच इज नोन एज ओ पी. जैसे ही हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस केस में हमारा जो सेंट्रल एंगल है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड दीज टू पार्ट्स आर थीटा अपॉन टू एंड थीटा अपॉन टू. तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे. अगर हम इस ट्राइंगल को घुमाकर यहाँ पर बना रहे हैं, कौन सी ट्राइंगल है ये, ओ पी ए. इस ओ पी ए ट्राइंगल में ओ पॉइंट पर जो एंगल फ्रेम हुआ है दैट इज थीटा अपॉन टू, पी पॉइंट पर जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री. यानी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेन्यूज जो है वो रेडियस के इक्वल है, ये हमें पता है. लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया निकालना चाहती हूँ तो उसके लिए मेरे पास बेस और हाइट होने जरूरी है. बेस क्या है, बेस जो आपका है वो ए पी का ही डबल है और हाइट कितनी है, हाइट हमारी ओ पी के इक्वल है. तो हमें अभी क्या करना है, हाइट ओ पी निकालनी है और बेस ए पी का डबल निकालना है. तो अगर इस ट्राइंगल में हम डायरेक्ट लिखें दैट साइन थीटा, थीटा इज द एंगल विच इज एट द बेस, जो इस क्वेश्चन के लिए थीटा अपॉन टू है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. नाउ इफ बेस एंगल इज हियर देन परपेंडिकुलर विल बी द साइड ए पी. तो यहां से हमारे पास ए पी की वैल्यू कितनी हम निकाल पा रहे हैं, ए पी इक्वल्स टू आर इंटू साइन थीटा अपॉन टू. अभी हमने ए पी कैलकुलेट किया आर इंटू साइन थीटा अपॉन टू. इसी तरह से अगर हम बेस ओ पी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ओ पी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कॉस थीटा थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और इस क्वेश्चन में आपका बेस है ओ पी, आपका हाइपोटेन्यूज है आर. तो सॉल्व करने पर हमारे पास ओ पी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आर इंटू कॉस थीटा अपॉन टू. और जो ट्राइंगल कंप्लीट हमारी है, हम एक बार इसे हाईलाइट कर देते हैं. That means this triangle. इस ट्राइंगल में बेस इज ए बी जो कि डबल ऑफ ए पी है. तो हम अपने क्वेश्चन में यहां पुट करेंगे हाफ इंटू बेस विच इज ए बी डबल ऑफ ए पी डबल ऑफ आर इंटू साइन थीटा अपॉन टू एंड हाइट इज ओ पी विच इज आर इंटू कॉस थीटा अपॉन टू. सो ऑन सॉल्विंग दिस आप अपने सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर इंटू आर इज आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन टू इंटू कॉस थीटा अपॉन टू. सो दिस इज अ वे टू सॉल्व द क्वेश्चन इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट. नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सर्कल्स. It is find the area of the shaded region in the given figure. अगर हम अपनी फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो इस फिगर में जो शेडेड रीजन है दैट मीन्स दिस कंप्लीट रीजन एंड दिस ऑल्सो द एरिया बिटवीन द स्मॉल कोण आर पी एंड द आर्क आर पी. हमें ये कंप्लीट एरिया कैलकुलेट करना है. जो गिवन वैल्यूज आपके पास हैं दीज आर व्हाट, दीज आर पी क्यू विच इज 24. सो पी क्यू दिस इज गिवन टू बी 24 सेंटीमीटर और हमें आर पी या पी आर की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर. तो अब हम सोचेंगे कि इस क्वेश्चन में ना तो रेडियस गिवन है, ना तो डायमीटर गिवन है, ना तो सेंट्रल एंगल के बारे में कोई बात हुई है. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब तक की जितनी भी हमारे पास सर्कल से रिलेटेड नॉलेज है वो सब काम आती है. अब हम रिकॉल करते हैं दैट व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल इन अ सेमी सर्कल. अगर ये आपके पास कोई सर्कल है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल और डायमीटर सर्कल की बाउंड्री पर ये एंगल फ्रेम कर रहा है, लेट दैट बी एंगल पी. तो व्हाट कैन वी से अबाउट दिस एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल. सो एंगल पी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का. इवन फॉर दिस क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि ओ आर जो है दैट इज द क्यू आर दैट इज द डायमीटर, ओ आर इज द रेडियस एंड देन
we can simply say that angle RPQ equals to 90 degree because it is angle in a semicircle. और अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, मुझे पता है कि अब हमारे पास आर पी क्यू जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल फ्रेम हो रही है. उस ट्राइंगल का आपके पास बेस है, लेट दैट बी 7. आपके पास परपेंडिकुलर है, लेट दैट बी 24 सेंटीमीटर. क्या हम इजीली 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड यानी कि क्यू आर की वैल्यू जो कि डायमीटर हमारे सर्कल के लिए है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हैं? अनडाउटेडली यस. एंड व्हाट विल बी दैट? दैट विल बी 25 सेंटीमीटर. जैसे ही हमने डायमीटर कैलकुलेट कर लिया तो आपके पास रेडियस भी आ जाएगी विच इज हाफ ऑफ द डायमीटर. और हमें रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है रेडियस और डायमीटर निकालने की? डियर व्यूअर्स, जो शेडेड एरिया है अगर हम इस एरिया को ऑब्जर्व करते हैं तो इट इज नथिंग एल्स देन ये पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से हम अपनी ट्रायंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो शेडेड एरिया कैलकुलेट हो जाएगा. ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू 7 इंटू 24, यानी मैं लिख सकती हूं दैट शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. सेमी सर्कल का एरिया आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास रेडियस होगी. रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया, वहां से डायमीटर कैलकुलेट किया और रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. सो आई विश कुसुम जी कि हमारे स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें और हमारे साथ सॉल्यूशन जरूर शेयर करें. एक और क्वेश्चन मैं यहां पर डिस्कस कर रही हूं अपने व्यूअर्स के साथ. मैम मेरे ख्याल से हम इस क्वेश्चन को ले नहीं पाएंगे मैम समय की पाबंदी की वजह से. जी नहीं, विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन का सिर्फ समरी पार्ट अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाती हूं सो दैट वो इसे सॉल्व कर पाए. जी, और डियर व्यूअर्स एक बार ध्यान से हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं इस फिगर को. हम ऐसा करके एक ट्राइंगल बनाई है, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल, और दिस इज द क्वाड्रेंट. और इसमें से अगर ये बात करते हैं तो ये क्या है, दिस इज सिंपली द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. तो अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं जो हमें साइड में ऑलरेडी गिवन है, तो इस फिगर में आपके पास इस तरह के दो सेगमेंट्स फ्रेम हो रहे हैं. तो अनडाउटेडली आप एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 8 सेंटीमीटर. और इसी तरह से आप दूसरे सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए जस्ट पहले वाले सेगमेंट के एरिया को ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये फिगर को दोनों तरफ का एरिया सेम है, अगर आप ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई दैट एरिया बाय 2. सिंपली एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. आई विश देम टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड शेयर द सॉल्यूशंस विद अस. बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम. हमें उम्मीद है कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी सॉल्व हो गई होंगी. तो मैम थैंक यू सो वेरी मच मैम, धन्यवाद. जी बहुत बहुत धन्यवाद. जी तो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे क्योंकि हम आज पढ़ रहे थे सविता मैम की क्लास में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में. तो यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप ज़रूर हम तक पहुंचाइए और हमारे एक्सपर्ट को भी अच्छा लगेगा आपके क्वेरीज का जवाब देकर. तो आप जुड़े रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल पर, कहीं मत जाइए. अब से कुछ ही देरों में हम फिर से हाजिर होंगे उर्दू के सत्र को लेकर और आज का उर्दू का मौजू है गुजरा हुआ ज़माना. तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल पर और मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.